अरे इतना दूर है, तुम चल चल के तुम्हारे जिंदगी खराब हो जाएगी। ये देखो, चलो बोलो क्या बोलो। मैं इधर क्या है, टूरिस्ट गाइड हूँ, देख लो पूरी। मुझे देखना होता तो आपको के लिए क्या थे यार, ठंडी हवा चल रही है यार। तो दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं महल के उस हिस्से में जहाँ पर ब्रिटिश का बनाया हुआ स्ट्रक्चर है। आप इसके आर्किटेक्चर से समझ ही सकते हैं। आइए आपको आगे ले चलते हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फाइनली अभी हम रेडी होके आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन, और आप ये जो पसीना देख रहे हो वो पूरा मतलब चल के आए हम, काफ़ी दूर से आए क्योंकि अभी आए हैं मेट्रो स्टेशन। अब मेट्रो में बैठेंगे और अभी हम जा रहे हैं लाल किला, देखते हैं दोनों साथ में जा रहे हैं। उधर गाड़ी लेके नहीं जा सकते क्योंकि बहुत ही भीड़ होती है और पार्किंग वगैरह का दिक्कत ही होता है, इसलिए अभी हम जा रहे हैं मेट्रो से लाल किला। तो देखते हैं, और पसीना ऐसे ही रहने वाला ही है ब्लॉग में। गर्मी बहुत ही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, कोई नहीं, चलो चलते हैं। हमारी मेट्रो आ चुकी है। अब हम उतर चुके हैं मेट्रो से। चलो अभी जाते हैं। क्या जलेबी वाला है जहाँ पे जलेबी और रबड़ी मिलती है बहुत ही दिल्ली का ये मार्केट है। हाँ यार, यहाँ से आगे पराठे वाली जलेबी है। अच्छा, जो बताता है ना चांदनी चौक। हाँ हाँ, चाइना में पराठे वाली गली। अच्छा, वो रहा लाल किला। बाकी सब नहीं जा रहे हैं, हमें देखते हैं। बहुत पब्लिक है, बहुत वीकेंड नहीं है तो थोड़ा सा अच्छा है। लेकिन गाइस गर्मी बहुत है यहाँ पे, बहुत गर्मी है। सो फाइनली गाइस अभी हम आ चुके हैं लाल किला। लाल किला यश मुझे लाया था सोनगढ़ का किला, सोनगढ़ का किला दिखाने, तो हमने सोचा कि हम इसे लाल किला दिखा दें, हमारा फिटूस हो जाएगा दोनों का। तो आज हम पहुंच गए लाल किला। दिस इज द ब्यूटी। यश को ये लग रहा है कि बस यहाँ तक ही है, यहाँ तक किला देखना है और जाओ अपने अपने घर। मुझे पता चला है कि अंदर भी जाना है। अंदर है, इसके अंदर बहुत बड़ा है। ऑलरेडी आधा किलोमीटर चल के आए चांदनी चौक से, अब जाएंगे किले के अंदर। चलो आपको भी दिखाते हैं आज क्या है इस किले के अंदर। उस टाइम पे यहाँ पे ना मगरमच्छ वगैरह डाल देते थे। अच्छा, इसके अंदर ताकि कोई पार करने की कोशिश भी करे तो नहीं कर पाए। रियल वाले, रियल मगरमच्छ, ताकि कोई पार ना कर पाए। अच्छा अच्छा, हाँ चलो टिकट लेते हैं। दूर तक है क्या ये? अरे इतना दूर है, तुम चल चल के तुम्हारे जिंदगी खराब हो जाएगी। ये देखो यहाँ पे पता नहीं एक चीज़ क्यों है, अब मुझे नहीं पता। मुस्लिम्स 80 रुपये लगाएंगे, विदाउट मुस्लिम 50 रुपये, सॉरी जो मुस्लिम लोग हैं उनको 80 रुपये लगेंगे, जो मुस्लिम नहीं है उनको 50 रुपये। भाई ऐसा चल रहा है भाई, यहाँ पे देख रहे हो, हमें तो कुछ पता नहीं है, हम लोग जहाँ ले जाएंगे वहाँ चले जाएंगे। फाइनली पहुँच चुके हैं हम लाल किला के अंदर। एंट्री फीस थी 50 रुपये, और आप मुस्लिम हो तो 80 रुपये, और फॉरनर मुस्लिम हो तो 950 रुपये, और अगर आप फॉरनर हो पर मुस्लिम नहीं हो उसके अलावा कुछ भी हो तो 600 रुपये। ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है मुझे समझ में नहीं आया, बट है तो अब क्या कर सकते हैं। तो ये किले की एंट्री है, देखो यहाँ से रेड फोर्ट में एंट्री करते हैं। तो ये सच में लगता था कि इसके अंदर कुछ नहीं है, ये बस दीवार है। अभी कुछ पता नहीं है क्या है अंदर, क्या नहीं है इसके। ये राजा का घर है। अच्छा, तो इसके अंदर सब कुछ है उसका, मतलब आराम करने का। किला बहुत बड़ा है भाई, देख रहे हो कैमरे में नहीं आ रहा है। और मोदी जी वहाँ के चले जाते थे, हमें पता ही नहीं था कि उसके अंदर भी कुछ है, देख रहे हो। फोर्ट के अंदर बाजार भी है, बाजार। ओ भाई साहब क्या बनाया है यार, सही में बहुत ज़बरदस्त। वो वाला जो वो सामने जो दिख रहा है वो है दीवाने आम। मतलब? दीवाने आम मतलब ऐसी जगह जहाँ पे जो मुग़ल एम्पायर है, जो भी उस टाइम पे राजा होगा, हाँ, वो बैठेगा और आम पब्लिक का जो भी बातें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनेगा, और अगर उनको सॉल्व कर सकता है तो डिसीजन भी लेगा। और ये बेसिकली ड्रम हाउस है जहाँ पे नगाड़े बजा के जब वो आता था एंट्री होती थी। हाँ अच्छा, ये जो नकाशी होती है उसके अंदर वो डाले जाते हैं क्रिस्टल्स अलग अलग कलर के, जैसे जैसे जो ताजमहल के अंदर भी है। और जब इसको लूटा गया तो ये सारे क्रिस्टल निकाल लिए, ऊपर कहीं होगा में तो यहाँ है निकाल लिए। अच्छा, ये चोरी करके ले गए। हाँ, चोरी करके ले गए। तो यहाँ पे किंग बैठा करते थे, ये दीवाने आम थे, यहाँ पे आम लोग आते थे और वहाँ ड्रम बजा करते थे।
ये पूरा सामने दिख रहा है। सामने इस जगह की खास बात है कि आप कहीं भी खड़े हो, अगर आप वहाँ बैठोगे तो किंग और तुम्हारे बीच में पिलर नहीं आ सकता। तो अच्छा, इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है इस जगह को। क्या बात कर रहे हो? हाँ, तुम यहाँ से देखो, हर एक आदमी कोई छुप नहीं सकता पिलर के पीछे, जहाँ भी बैठेगी। यहाँ से खड़ा रहकर देखो, बढ़िया किया। क्या हम जा रहे हैं किले के वो हिस्से में जो सिर्फ राजा महाराजाओं के लिए, मतलब जो क्या बोलते सुल्तान के लिए अलाउड था। वहाँ पे आम लोग ऐसे ही आ जाते, सैनिक लोग नहीं। सैनिक लोग तो आम लोग भी आते थे ना, हाँ। दीवाने आम है नहीं, यहाँ से आम लोग आ सकते हैं, यहाँ से नहीं जा सकते अंदर। मतलब अभी बाकी और बहुत है, अभी तो बहुत कुछ है। तो राजा चल लेता था इतना? चलते ही थे, मेरे जैसे मोटा तो नहीं था ना, तो वो चारों लोग लेकर तो चल देंगे ना। अच्छा, तो ये बेसिकली यहाँ फवारा है देखो बीच में। तो बेसिकली इस फोर्ट का एक अच्छा फीचर ये भी था कि यमुना के जस्ट इसके बैक में यमुना है। अच्छा, तो यमुना के जस्ट पास है, तो ये पानी को भी कंट्रोल करते थे शहर में, महल में कितना पानी चाहिए एंड ऑल, तो यहाँ से वो कंट्रोल होता था। अच्छा, कि कितना पानी आगे जाएगा पीछे रहेगा, ये सही है। यहाँ से एक्चुअल में यमुना का पानी आता था पीछे से, और यहाँ से ये लोग कंट्रोल करते थे कि कितना पानी जाना चाहिए गार्डन में, ओवरफ्लो ना हो जाए बेसिकली। वो मगर वगैरह वो पानी में रखते थे। मगर क्या? मगर थे ना नीचे वाला। हाँ हाँ, वो मगरमच्छ। मगरमच्छ यहाँ आप कहीं भी देखोगे, यहाँ बीच में फवारा है, यहाँ फवारा है, बीच में फवारा है। इतना फवारा इसलिए लगाया जाता था कि पानी हवा में उड़े, हवा उसमें से फ्लो करे और सब ठंडा हो जाए। अच्छा, और यहाँ गर्मी ना लगे, क्योंकि दिल्ली में तो गर्मी थी बाकी जगहों के मुकाबले। तो यहाँ पे ये तीन भागों में डिवाइडेड है, दीवाने खास बोलते हैं इसे। तो यहाँ पे एक तो एम्पायर का स्पेशल प्राइवेट, मतलब वो दुआ करने के लिए मस्जिद बोल सकते हो वो है। हाँ। और यहाँ बेसिकली खास लोग रह सकते थे, जैसे कोई महफिल ले जानी है, कुछ करना है, वो सब होगा। ये बीच के एरिया में एनिमल फाइट होती थी, हाथी की फाइट करवानी है, लॉइन वगैरह सब बीच में फाइट होती है। अच्छा, तो यहाँ खास खास लोगों की मतलब एंट्री थी। और यहाँ बेड भी है। हाँ हाँ, इधर सोते थे क्या? नहीं, इधर नहीं सोते, उधर सोते बैठने के लिए। अच्छा, अगर कभी ना जाके देखोगे, जैसे उदयपुर के महल जो हिंदू राजाओं ने बनाए हैं, उनकी नक्काशी और बारीकियों में डिफरेंस देखना, कभी जो मुगल राजा हैं उनकी में देखना, और जो ब्रिटिश ने बनाया, जैसे यहाँ से भी बनाया, यहाँ भी वो वाली बिल्डिंग जो है, हाँ, आगे वाली बिल्डिंग, हाँ, भी ब्रिटिश ने बनाई है, तो बहुत उनके आर्किटेक्चर में डिफरेंस रहता है। और सबका अपना 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 फ्लेवर है, पर आपको आर्किटेक्चर डिफरेंस समझ में आएगा जब आप सब कुछ देखोगे एक साथ। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली इसके अंदर कहीं नमाज वगैरह पढ़ते थे तो वो यहाँ बैठ के पढ़ा करते थे अंदर। फाइनली इधर कोई मिल गया था सब्सक्राइबर, हो गया। चलो बोलो। क्या बोलो, मैं इधर क्या टूरिस्ट गाइड हूँ, देख लो खुद ही। खुद ही देखना होता तो आपको के लिए क्या थे यार, ठंडी हवा चल रही है यार, शुक्रिया भगवान इतनी ठंडा ठंडा चलाने। वो तो मुझे बोलना चाहिए ना, शुक्रिया यश हवा चलाने। अरे ऐसा नहीं, भगवान से शुक्रिया मुझे बोलना चाहिए ऐसी हवा देने के लिए। तो गाइस अभी हम बैठ चुके हैं यहाँ पे, और काफ़ी बड़ा महल हवा ले रहे हैं, ठंडी हवा का लाभ ले रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, मतलब समझ गए गुजराती में बोलेंगे, वाह लाभ इज हिंदी वर्ड। और ये बहुत बड़ा है, अभी तक तो स्टार्ट ही हुआ है, ऐसा बोल रहे हैं भाई साहब। नहीं स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब समझ ले 50% तक ही है। अच्छा, लेकिन बहुत बड़ा है, और मोदी जी आके वहाँ से झंडा फड़का के चले जाते, वो है सही है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा है भाई। आओ कभी घूमने, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा, उनको भी मजा चाहेगा, तो ले लो, ले लेना। और इसके पीछे गंगा नदी है। अगर मुझे एज अ गाइड बुक करना चाहते हो तो नीचे लिंक है, वहाँ पे मैसेज करें, प्राइवेट कॉल प्राइवेट कॉल नहीं, इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पे मैसेज करें और मुझे एज अ गाइड बुक करें। अच्छा, अगर यूट्यूबर हो तो कुछ भी हो। हाँ, अगर और आपको थोड़ा सा आलस चल रहा है, आपके पास टाइम नहीं है, तो हमारे शॉर्ट वीडियोस पे ये पूरी जानकारी दी गई है, जाना देखना, लिंक इन बायो, फटाफट जाओ और देखो। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं महल के उस हिस्से में जहाँ पर ब्रिटिश का बनाया हुआ स्ट्रक्चर है,
मतलब ये जो बिल्डिंग है इसे ब्रिटिश लोगों ने बनवाया था। अच्छा, आप इसके आर्किटेक्चर से समझ ही सकते हैं। आइए आपको आगे ले चलते हैं। इतनी टूटियां लगा दी जगवार की पानी। फाइनली गाइस अभी लाल किला घूम लिया है हमने और काफ़ी ज़बरदस्त था, अंदर एक्सपीरियंस अच्छा रहा मेरा, गुड रहा। आप भी आओ, कुर्ता पजामा, यो यो इंडियन 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 कल्चर गाइस, रियल में मस्त है। अभी कहाँ जा रहे हैं हम? अभी हम देखते हैं यहाँ चांदनी चौक में कुछ खाने पीने की चीज़ें खिलाते हैं। चलो खिलाते हैं पिलाते हैं। सो फाइनली गाइस अभी हम जा रहे हैं घर पे। So guys, अभी हम जा रहे हैं घर पे और घर पे मिलते हैं। तुम क्रेडिट मांग रहे हैं मुझसे अपने वीडियो का। हाँ, इसने टाइमलेस बनाया, मैंने डाल दिया, करा क्रेडिट दो मुझे। अच्छा, तो भरी दोपहर ही मैं तुझे लेके गया कि चलो बेटा मैं तुझे वीडियो बनवाता हूँ, दिल्ली दिखाता हूँ, उसका क्रेडिट कौन देगा? इनका काम है मुझे घुमाना। उसमें क्या काम कैसे है? तुम्हारा काम क्या है फिर? मुझे क्या तनख्वाह पे रखा तुमने? अरे ऐसा नहीं होता भाई। कैसा होता है बता? अभी आराम रेस्ट करते हैं क्योंकि व्लॉग आज रात को अपलोड भी करना है। भले ना आप प्यार ना दिखाओ व्लॉग पे, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा काम है आप तक व्लॉग पहुँचाना, पहुँचा देंगे। ठीक है, तो अभी जाते हैं ऑफिस, एडिट करते हैं और मिलते हैं ऐसे नए धमाकेदार व्लॉग्स में। और कल सारिका भाभी भी आएंगी, मैं भी जाऊंगा, बाबा जी भी जाएंगे, कल हमारा पूरा व्लॉग होगा फूड व्लॉग। ठीक है, तो कोई नहीं, होप सो आपको व्लॉग पसंद आया। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।